एवरीवन, आई एम हियर विथ माय न्यू चैलेंज डेट इज 100 डे चैलेंज ऑफ 100 ट्रिक्स। यहाँ पे मैं आपको 100 डेज में 100 ट्रिक्स सिखाऊंगा केमिस्ट्री रिलेटेड, विच इज़ आस्क्ड इन नीट एंड JEE केमिस्ट्री। अगर हम लोग बात करते हैं चैलेंज की, तो चैलेंज क्या रहेगी, मैं आपको 100 डेज में 100 ट्रिक्स बताऊंगा जो इम्पॉर्टेंट हैं फॉर नीट एंड JEE केमिस्ट्री, ठीक है। और ये ट्रिक्स जो होंगी डैट विल बी रिलेटेड टू सिलेबस ऑफ नीट एंड JEE केमिस्ट्री। सो आप टेंशन मत लीजिएगा कि कहीं बाहर का है, पूरा 100 ट्रिक्स आपको 100 डेज में यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे आज बात करते हैं जो हमारा फर्स्ट ट्रिक है, डेट इज़ हाउ टू फाइंड बॉन्ड ऑर्डर इन 10 सेकेंड, ठीक है। तो आप कोई भी नंबर देख के, उसका इलेक्ट्रॉन देख के तुरंत ही आप बता सकते हो कि बॉन्ड ऑर्डर उसका क्या होगा 10 सेकेंड में। आपको कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम लोग बॉन्ड ऑर्डर की बात सुनते हैं तो हमें याद आती है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी का डायग्राम, वो पूरा फिलअप करके फिर आपको आंसर मिलेगा। अब ये जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट आंसर्स मिल सकते हैं। अगर मैं ट्रिक की बात करता हूँ तो जैसे कि हमें पता है सिलेबस नीट और JEE में अगर इलेक्ट्रॉन नंबर 20 तक की बात किया जाए तो वो मेंशन किया गया है, उसके बारे में ही हम लोग यहाँ पे डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर इलेक्ट्रॉन नंबर 20 से ज़्यादा है तो यहाँ पर आपकी ये ट्रिक काम नहीं करेगी, ठीक है। तो आपको लो उसके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी ड्रॉ करना पड़ेगा डायग्राम, ये आपको याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है। 14 इलेक्ट्रॉन रूल आपने सुना होगा, 14 इलेक्ट्रॉन में याद क्या रखना है, अगर 14 इलेक्ट्रॉन है किसी का, एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं नाइट्रोजन N2, ठीक है। तो एक नाइट्रोजन का होता है 7, दूसरे नाइट्रोजन का होता है 7, तो टोटल कितना हुआ 14 इलेक्ट्रॉन, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, डायरेक्टली आपको सोच लेना है 3, ठीक है। अब ये चीज़ यहाँ पे आपको ये फिगर में देखने को मिल जाएगी, और यही आपको याद रखना है कि अगर हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन कम करते हैं या 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ाते हैं, उसकी वजह से एक ऑक्सीडेशन नंबर आपको कम होते हुए, सॉरी बॉन्ड ऑर्डर कम होते हुए आपको दिखेगा। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि प्लस माइनस 2 इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग करते हैं तो वहाँ पर आपको एक बॉन्ड ऑर्डर कम होते हुए दिखेगा, जो यहाँ पर फिगर्स में आपको दिख रहा होगा। तो अगर हम लोग 12 लेते हैं और 16 लेते हैं, जहाँ पे मैंने 2 कम किया है और 2 बढ़ाया है, तो क्या हो जाएगा आपका बॉन्ड ऑर्डर 2 एंड 2। अगर यही चीज़ मैं बात करता हूँ 10 ले लेंगे एंड 18 ले लेंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा आपका 1 1, ठीक है। अगर 8 की बात करते हैं और 20 की बात करते हैं तो 0 एंड 0। यहाँ पे एक चीज़ आप सीख चुके होगे कि ये डायरेक्टली फिगर से आप क्या कर सकते हो, 20 तक आप बता सकते हो बॉन्ड ऑर्डर। पर मैंने जैसे कि मेंशन किया यहाँ पे 8 तक ही है, 1 2 अगर 8 पूछा गया कहीं पे बीच में, तो वो चीज़ भी आपको पता रहनी चाहिए। उसके लिए भी और है हमारे पास ट्रिक, अगर लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन है आपके पास तो आपको ये ट्रिक अपनानी है, डेट इज़ बाबा, ठीक है। आपको याद रखना है डेट इज़ बॉन्डिंग एंटीबॉन्डिंग बॉन्डी एंटीबॉडिंग, ठीक है। इस ट्रिक को अगर हम लोग डिटेल में बात करें तो ऐसा कुछ है, अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 दे दिया गया है, ठीक है, तो कोई ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, तो आपको बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालना है उसका, विद दिस ट्रिक आपको लिखना है बाबा। अगर हमने 6 बात किया है तो 2 2 2, तो यहाँ पे आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे इन बॉन्डिंग एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग। फॉर्मूला आपको पता ही है, हाफ डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस डिवाइड बाय माइनस एंटी बॉन्डिंग, कितना होता है आपका 4 माइनस 2, डैट विल बी 2 एंड 2 डिवाइड बाई 2, आपका आंसर क्या मिलेगा 1। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या हुआ 1। अगर मैं कुछ क्वेश्चंस की और बात करता हूँ तो आप ऐसे देखिएगा N2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं। N2 मतलब इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आपके पास, नाइट्रोजन 7 और 7, 14 है टोटल, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा उसका, तो 14 का जैसे कि हमने सीखा डायरेक्टली 3 होता है, तो बॉन्ड ऑर्डर उसका क्या होगा आपके पास 3। अगर मैं बात कर लेता हूँ N2+1, चार्ज वाले भी पूछे जाते हैं, तो कितने हुए, प्लस वन मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, तो 14 था उसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो कितना बचा आपके पास 13। 13 के लिए मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया गया है, 13 इलेक्ट्रॉन का हमारे पास नहीं है, 14 और 12 का है, तो बीच में आता है 13, तो यहाँ पे आंसर भी वैसे ही बीच का निकलेगा, 2.2 एंड 3 के बीच का क्या है 2.5, ठीक है, तो आंसर विल बी 2.5। ऐसे मैं बात कर लेता हूँ N2+2, इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए टोटल 12, और 12 का हमें पता है कितना होता है बॉन्ड ऑर्डर, डेट इज़ 2।
ये चीज़ अगर मैं बात कर लेता हूँ, एन टू माइनस टू इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, एन टू का होता है 14, माइनस टू मतलब दो इलेक्ट्रॉन उसने एक्सेप्ट किया तो 16, 16 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, डैट इज़ दिस 2। तो ये ट्रिक से आपको डायरेक्टली सिर्फ देख के ही आप उसका तुरंत ही बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हो और 4 मार्क अपना सिक्योर कर सकते हो। दैट वॉज द ट्रिक। स्टे सेफ, स्टे क्यूरियस एंड आई विल सी यू गाइज टुमारो। ट्राई टू शेयर दिस ट्रिक विथ एवरीवन। थैंक यू।